तो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पारा मेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे तो दोस्तों फिर से हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ हैं आपके सामने और जल्दी जल्दी से आप सब लोग, साथ आप सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए और आप सब लोग दोस्तों आठ बजे प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िए शाम में ठीक है शाम में प्रतिदिन आठ बजे हमारे साथ जुड़िए लाइव क्लास में आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है हमारे इस चैनल पे और यहाँ से क्वेश्चन आपको नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों और जो लोग हमारे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करते तो फ्री में वहां पे नोट्स वगैरह पी डी मिलते रहता है तो आपसे लोग इसको मत छोड़ो आपसे लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लो और प्रत्येक क्लास का पी वहीं पर मिलता है टेलीग्राम पर ही तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं जल्दी से आप सब लोग लाइव जुड़ जाइए जो लोग छूट रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए वीडियो को और फटाफट लाइक नहीं करता लाइक तो बनता है तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया कहता है कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है ऑप्शन नंबर ए है चीन ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील ऑप्शन नंबर सी है भारत ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको ठीक है मैक्सिको कौन है जी हर तरह की दालें उगाता है कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे दाल में कौन कौन सा हो जाएगा मसूर दाल और फिर हम लोग और कौन कौन से दाल जानते हैं चना दाल मूंग दाल उड़द का दाल हर तरह के दाल किस देश में उगाए जाते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मिलाइए सभी लोग आंसर हाँ जी बहुत अच्छा जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना उनका राइट है बहुत अच्छा भारत होगा दोस्तों भारत ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पे विभिन्न प्रकार की दालें उगाई जाती है यहीं पे दोस्तों मूंग दाल मसूर दाल उड़द दाल हर तरह की चना दाल हर तरह की दालें यहाँ पर उपजाई जाती है दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में और पूछता है कि भारत का भारत का कैसा अर्थव्यवस्था होता है ठीक है अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अर्थ व्यवस्था कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है जैसे आपको कहेगा जल्दी से बताइए तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है हाँ जी बहुत अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वो है मिश्रित है दोस्तों क्या है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा मिश्रित हो जाएगा तो सभी लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों मिश्रित हो जाएगा याद रहेगा इस तरह के क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल में पूछते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को भी करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो आपके स्क्रीन पे आता है कहता है धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है देखिए दोस्तों धान की जो खेती होती है वह ठीक जलवायु यानी कि बेस्ट जलवायु कहाँ की है ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश की ऑप्शन नंबर बी है गुजरात की ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान की ऑप्शन नंबर डी है बिहार की आप सभी लोग बताइए जल्दी से तो चलिए यहाँ पे आंसर सभी लोग मिलाइएगा धान की खेती के लिए दोस्तों जो ठीक जलवायु है वो है अपना बिहार यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं ना उनका राइट है बहुत अच्छा अपना बिहार हो जाएगा यहाँ पे बिहार में दोस्तों धान की खेती के लिए बेस्ट जलवायु माना जाता है अब मैं आपको एक इसी में बता देता हूँ जैसे क्वेश्चन पूछता है कि धान की खेती के लिए जो मिनिमम जो मिनिमम क्या कहते हैं डिग्री सेल्सियस होता है उष्ण के लिए गर्मी के लिए वो कितना है जल्दी से बताइए तो इसका कितना है रिस्ट्रिक्शन तापमान जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों तापमान हाँ याद आया तापमान ठीक है तापमान धान की खेती के लिए कितना डिग्री तक तापमान होना चाहिए हाँ जी बहुत अच्छा तो यहां पे कितना हो दोस्तो, जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इक्कीस डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए और मैं बता दूं दोस्तों यह जो धान है जो धान की खेती है वह उष्ण कट उष्ण एवं उष्णोषण जलवायु वाला यानी कि एक तरह से कह सकते हैं गर्मी में यह ज़्यादा होता है अब यहाँ पे देखिए इक्कीस डिग्री सेल्सियस प्लस इसको तापमान चाहिए तो 20 से 25 पर क्या होता है यहाँ पे 25 सॉरी पच्चीस से तीस पर यह क्या होता है बढ़ता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर यह बढ़ता है और वही बात करें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको पकने दिया जाता है ठीक है तो यदि तापमान इसके अंतर पर रहा तो जो धान की पैदावार होती है वो बढ़िया होती है और बिहार में बात करें कि धान के पैदावार जो होती है लगभग वो दोस्तों मैं बताऊं तो वो होता है वन पॉइंट सिक्स थ्री टन ठीक है इतना लगभग बिहार में धान की खेती हो पाती है ये कोई आंकड़ा है दोस्तों लगभग तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीन आपके स्क्रीन पे आके कहता है भारत के किन राज्य में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है भारत के किन राज्यों में दोस्तों गन्ना सबसे अधिक पैदा होता तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार और यूपी ऑप्शन नंबर बी है यूपी और राजस्थान यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश ठीक है ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी है पंजाब और हिमाचल प्रदेश यहां पे एमपी भी शॉर्टकट रहेगा तो एमपी का फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश को ठीक है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी लोग हाँ जी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत अच्छा है यहाँ पे बिहार और यूपी हो जाएगा ठीक है बिहार और यूपी में दोस्तों गन्ना सबसे अधिक पैदावार होती है ठीक है भारत के इन्हीं राज्यों में दोस्तों गन्ना सबसे अधिक पाया जाता है पैदा हुआ होता है उपजाया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है बहुत अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं चलिए जी क्वेश्चन नंबर फोर क्या अभी तक से यार शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर करो वीडियो को शेयर करो और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पे कहता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नंबर ए है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश संविधान ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का संविधान ऑप्शन नंबर डी है भारतीय शासन अधिनियम उन्नीस का कौन सा राइट आंसर होगा आपके अनुसार जल्दी से बताइए तो चलिए जी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं इनका राइट है भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत ही बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 321 एवं अनुसूचियां हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ठीक है अनुच्छेद तीन और अनुसूचियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उन्नीस में ये जो भारतीय भारतीय शासन अधिनियम है ये शासन भारत पर किस प्रकार से शासन किया जाएगा गाइडलाइन वो जारी करता है यहाँ पे ठीक है और हर साल होता था लगभग देखिए 1935 में भी हुआ है उन्नीस में भी हुआ है चलिए जी क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे कहता है दोस्तों कि देव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय जो कि राजा थे दोस्तों उनके द्वारा किस भाषा में ये अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा गया ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत ऑप्शन नंबर बी है तमिल ऑप्शन नंबर सी है तेलुगु ऑप्शन नंबर डी है कन्नड़ कौन सा राइट आंसर होगा हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल ही रहा है आप सभी को पता होगा और प्रतिदिन दोस्तों आप सभी लोग आठ बजे हमारे साथ जरूर ज्वाइन हुई संख्या को बढ़ाइए आप सभी लोग दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग संख्या को बढ़ाओ मजा आता है मुझे भी आप सभी का संख्या बढ़ता है तो तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना उनका राइट है ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तेलुगु हो जाएगा ठीक है जो कृष्ण राय द्वारा अमुक्त माल्यद जो ग्रंथ लिखा गया है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है और जो कृष्ण देवराय द्वारा संस्कृत में लिखा गया है उसका नाम है जाम्ब जाम्बवती कल्याणम ठीक है क्या नाम है यहां पे लिख दे रहा हूं संस्कृत में कृष्ण देवराय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो कि नाम है जाम्ब जाम्बवती ठीक है जाम्बवती कल्याणम ठीक है याद रहेगा ये है जो कि संस्कृत में लिखा गया है तो आप सभी लोग इसको भी याद रखेगा संस्कृत में कृष्ण देवराय के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया और तेलुगु में अमुक्त माल्यद चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है निम्नलिखित में कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है निम्नलिखित में कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंजाब ऑप्शन नंबर बी है आजाद कश्मीर ऑप्शन नंबर सी सिंध ऑप्शन नंबर डी है, है बलूचिस्तान तो चलिए जी यहां पे देखिए यहां पे जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना उनका राइट है ठीक है ध्यान देना सभी लोग कैसे बी होगा तो यहां पे आजाद कश्मीर यहां पे क्या है दोस्तों पाकिस्तान का प्रांत नहीं है कश्मीर जो है वो भारत का प्रांत है प्रांत अब नहीं कह सकते केंद्र शासित प्रदेश कह सकते क्योंकि अब बट गया है तो यहां पे जो आजाद कश्मीर है दोस्तों वो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है मगर पाकिस्तान का यह प्रांत नहीं कहलाएगा ठीक है अवैध रूप से कब्जा किया है इसीलिए ये तो प्रांत थोड़े ना कहलाएगा अवैध रूप से किए हुए चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे कहता है भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी ऑप्शन नंबर ए चांद बीबी ऑप्शन नंबर बी है रानी लक्ष्मीबाई ऑप्शन नंबर सी है कौन है जीनत महल ऑप्शन नंबर डी है रजिया बेगम जी तो देखिए हाँ जी बहुत अच्छा है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है जी रजिया बेगम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन बनी थी तो वो थी रजिया बेगम ठीक है याद रहेगा दोस्तों और ये रजिया बेगम किसकी पुत्री थी जल्दी से बताइए तो रजिया बेगम किसकी पुत्री थी जल्दी से बताइए क्वेश्चन आ सकता है आपके पैरामेडिकल में रजिया बेगम किसकी पुत्री थी और फिर मैं बताऊंगा कि ये कितने से कितने दिन तक शासन किया था कहाँ किया था ये भी बता दूंगा हाजी तो वो कौन थी इल्तु तमीज की पुत्री थी ठीक है कौन थी जो रजिया बेगम तो इल्तु तमीज की पुत्री थी और ये दोस्तों 1236 से 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज की थी ठीक है दिल्ली सल्तनत पर राज की थी याद रखिएगा और महिला शासक कौन थी तो याद रहना चाहिए रजिया बेगम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पे कहता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बीस वर्ष ऑप्शन नंबर बी है पच्चीस वर्ष ऑप्शन नंबर सी है तीस वर्ष ऑप्शन नंबर डी है पैंतीस वर्ष लोकसभा का सदस्य बनना रहेगा तब तो चलिए जी यहां पे क्या होगा राइट आंसर जल्दी से तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो लोग 25 वर्ष बता रहे हैं ना उनका राइट है बहुत अच्छा ठीक है यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यहां पे आपको 25 वर्ष मिनिमम होने चाहिए इसके ऊपर होंगे तो चलेगा लेकिन इसके नीचे नहीं चलेगा यानी कि यदि आप लोग 24 वर्ष के भी हैं या चौबीस वर्ष नौ महीना के तो भी नहीं चलेगा यहाँ पूरी पूरी तरह से पच्चीस वर्ष होना चाहिए तभी जाकर के आप सभी लोग सदस्य बन सकते हैं ठीक है और आपको बता दें कि लोकसभा जो है ये निम्न सदन है ठीक है लोकसभा हमारा निम्न सदन है ठीक है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सदन होता है जो सदन है ये दो सदन होता है ठीक है ये कितना सदन है दो सदन है एक लोक सदन होता है जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं एक राज्य सदन होता है जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं ठीक है तो राज्य जो होता है वो ऊंचा पे होता है और लोक नीचा पे होता है ठीक है तो यानी निम्न सदन हमारा लोकसभा हो गया और उच्च सदन हमारा राज्यसभा हो गया याद रहेगा चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को होनी चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे कहता है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की कितनी अवधि होती है ऑप्शन नंबर ए है तीन वर्ष ऑप्शन नंबर बी है चार वर्ष ऑप्शन नंबर सी है पाँच वर्ष ऑप्शन नंबर डी है छः वर्ष तो जी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है पाँच वर्ष का ठीक है कितने वर्ष का होता है दोस्तों पाँच वर्ष का यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है बहुत अच्छा अब देखिए जो आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम बताइए जल्दी से वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है भारत का भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जी जल्दी से आप सभी लोग उत्तर करके बताओ हाँ जी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब कि इतना सिंपल पूछा जाता है तो इतना सिंपल भी रहता है आप सभी लोग भूलिए नहीं एग्जाम है जी एंट्रेंस एग्जाम है सिंपल भी रहेगा हार्ड भी रहेगा तो देखिए दोस्तों जो वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है जी हाँ जी वो कौन है रामनाथ कोविंद ठीक है कौन है दोस्तों रामनाथ कोविंद है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पे कहता है चंद्रगुप्त बसादी मंदिर स्थित है चंद्रगुप्त बसादी मंदिर कहाँ पे स्थित है ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने श्रवण बेल गोला में ऑप्शन नंबर बी है राजगीर में ऑप्शन नंबर सी है नालंदा में ऑप्शन नंबर डी है बोध गया में चंद्रगुप्त बसदी नदी सॉरी बसदी मंदिर सॉरी नदी कह रहा हूं मंदिर कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए आप सभी लोग तो देखिएगा यहां पे जो चंद्रगुप्त बसदीन मंदिर है दोस्तों वो कहां पे है तो वो है श्रवण बेल गोला में ठीक है श्रवन बेलगुला में याद रखेगा याद रहेगा ना चंद्रगुप्त बशरी नदी कहां पे स्थित है तो श्रवन बेलगुला में यदि जाए तो आपको टिक करके आना है दोस्तों पांच नंबर ले ही के आना है पांच नंबर एक क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को टिक करिएगा एकदम पांच नंबर मिलना चाहिए ठीक है तो याद रहना चाहिए और आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो पैरामेडिकल में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ बीता चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहां बीता जल्दी से बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ बीता बताइए तो तो चलिए जी हाँ जी बहुत अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा श्रवण बेल गोला में ही यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो पूछ सकता है तो आप सभी को याद रखना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका अंतिम समय श्रवण बेल गोला में ही बीता था और आप सभी को बता दे जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों उसके प्रधानमंत्री का क्या नाम था जल्दी से बताइए तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था प्रधान मंत्री प्रधानमंत्री का क्या नाम था जल्दी से बताइए तो आप सभी को पता होना चाहिए हाँ जी कौन थे वो थे कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं क्या चाणक्य ये क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है अर्थशास्त्र जो कि हर साल लगभग पूछता ही पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक या तो चाणक्य ऑप्शन में रहेगा या विष्णुगुप्त रहेगा या कौटिल्य रहेगा तो इन तीनों में से यदि कोई भी एक ऑप्शन दिखता है तो आप सभी को मार के आना है ठीक है चलिए जी क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर इलेवन कहता है भारत से निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है ऑप्शन नंबर ए कपड़े का सामान ऑप्शन नंबर बी कपड़े सॉरी ऑप्शन नंबर ए चमड़े का सामान ऑप्शन नंबर बी कपड़े ऑप्शन नंबर सी है चाय ऑप्शन नंबर डी है चावल तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो है कपड़ा ठीक है याद रहेगा क्या है कपड़ा जिनको पता है जी बहुत अच्छा जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना उनका राइट है इसी तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहो और प्रतिदिन दोस्तों हमारे साथ आप सभी लोग आठ बजे जरूर ज्वाइन है चलिए जी क्वेश्चन नंबर बारह यहाँ पे कहता है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, ए है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर बी है भारतीय स्टेट बैंक ऑप्शन नंबर ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तो वहाँ सी तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं उनका गलत है जी यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है याद रखिएगा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं जिसको हम लोग एस के नाम से जानते हैं याद है एस के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है याद रखिएगा वाणिज्य बैंक और व्यापारिक बैंक एक ही होता है थोड़ा सा नाम में अलर्ट फेर कर देता है तो आपको रिजर्व बैंक नहीं मारना है याद रखिएगा व्यापारिक बैंक पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इसी के साथ दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी क्लास ओवर हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइए था स्थापना कब हुई इसका कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत